आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो एक्सपोनेंट से है। छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया है हम लोगों को व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 5 की पावर एक्स प्लस 3 इक्वल टू 25 की पावर 3x माइनस 4। तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर एक कंडीशन दे रखी है और इस कंडीशन के बेसिस पर हम लोगों को एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इस गिवन कंडीशन के साथ में। तो एक बार हम लोगों ने कंडीशन लिख ली तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस कंडीशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको तो हम लोग एज इट इज़ लिख दें। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, 5 की पावर एक्स प्लस 3 एज इट इज़ हम लोगों ने लिखा एंड दिस इक्वल टू इधर साइड में क्या है 25। अब 25 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करके क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 × 5। और 5 × 5 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 5 की पावर 2। मतलब 25 की जगह पर चाहे तो क्या रख सकते हैं, 5 की पावर 2 रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस 25 की जगह पर रख देते हैं हम लोग 5 की पावर 2। और 25 की पावर क्योंकि 3x माइनस 4 है तो 25 की जगह पर क्योंकि हम लोगों ने 5 की पावर 2 रखा है तो अब इसकी पावर क्या होगी, 3x माइनस 4, कुछ इस तरीके से लिखा है हम लोग, करेक्ट है। अब करते हैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई और क्वेश्चन को अब आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ और हम लोग समझ लेते हैं। कभी भी जब a की पावर m हो और इसकी होल पावर n दी जाए, तो जब भी कभी इस तरीके का केस हो कि पावर्स के ऊपर पावर्स हो तो पावर्स का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, मतलब तब हम लोग लिख सकते हैं इसको a की पावर m n, राइट। तो यही लॉ हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। देखो यहाँ 5 की पावर क्या है 2 और फर्दर पावर इसके ऊपर क्या है 3x माइनस 4 है, इसका मतलब इन दोनों पावर्स का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 तो हम लोगों ने एज इट इज़ लिखा और पावर्स क्या क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है 3x माइनस 4। इसको कुछ इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस इक्वल टू 5 एज इट इज़ हम लोगों ने लिखा और क्योंकि 2 ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा। तो जब 2 का मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 6x, और जब 2 का मल्टीप्लाई माइनस 4 में करेंगे तो फिर हम लोगों को मिलेगा माइनस का 8। और इस साइड में क्या है, इस साइड में साथ में क्या है 5 की पावर x + 3 है। ठीक है, अब हम लोगों के सामने जो इक्वेशन निकल के आ रही है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में बेस क्या है 5 और राइट हैंड साइड में भी बेस क्या है 5। तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब दोनों साइड्स की जो पावर्स हैं वो भी आपस में कैसी हों, इक्वल हों। तो देखिए इस साइड में पावर क्या है, इस साइड में पावर है एक्स प्लस 3 और इसकी पावर कितनी है इस साइड में, राइट हैंड साइड में, मतलब ये है 6x - 8। सो ये स्टेटमेंट क्या इम्प्लाई करता है, ये इम्प्लाई करता है कि दोनों साइड्स की जो पावर्स होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, x की वैल्यू निकालनी है तो x वाले टर्म्स तो एक तरफ और कांस्टेंट टर्म्स दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो इस साइड में 3 अपने प्लेस पर है एज इट इज रखा, माइनस 8 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस का 8 हो जाएगा एंड दिस इक्वल टू 6x अपने प्लेस पर है एज इट इज लिखा और x को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस में आएगा। अब 3 + 8 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 11 एंड दिस इक्वल टू 6x में से x माइनस किया तो ये बचा 5x और x निकालना है तो इस 5 को भी कर दें ट्रांसपोज तो ये जाएगा डिवीजन में, तो 11/5 = x। तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या निकल आती है, 11/5 निकल के आ जाती है, राइट है कहीं ऑप्शन में, यस ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।